जय माता दी माता रानी को लाइक जरूर करें दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्राकाल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है दोस्तों इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन अगस्त 1920 को मनाना चाहिए और वही कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है उन्नीस अगस्त या फिर बीस अगस्त साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना आती आवश्यक है दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकॉन जरूर दबाएं तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी की राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की ओर स्वास्थ्य की कामना करती है और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं दोस्तों आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्यौहार मनाना अशुभ बताया गया है इसीलिए भूलकर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद राकाल में ही राखी बंधवा थी और एक वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था इसके अलावा भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार न मनाए दोस्तों रक्षाबंधन के दिन बहने अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और होसके तो नए वस्त्र पहने लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली चंदन अक्षत राखी मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख ले दीपक आप चाहे तो आटे का बना ले या माटी का या पीतल का जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी दोस्तों अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे या मंदिर में राखी चढ़ाए इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाए और का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं फिर भाई को सबसे पहले तिलकरे उन्हें रोली चंदन और अक्षत लगाएं उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़क यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़क और अंत में भाई की आरती करें अब आप अपने भाई की दाई हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं भाई के लिए मंगल कामनाकरे दोस्तों राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा तुझे परेशान नहीं करूंगा तुझे डांटूर नहीं मारूँगा नहीं तेरी हर जिद पूरी करूंगा तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा माँ बाप नहीं है तो माम बाप की कमी को पूरा करूंगा पिता बंकर हर इच्छा पूरी करूंगा मां बंकर तेरा पालन पोषण करूंगा जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें दोस्तों चलिए अब जानते हैं साल दो शून्य दो चार में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा दोस्तों पूर्णिमा तिथि की शुरुआत अगस्त 2019 की सुबह तीन बजकर चार मिनट पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में ग्यारह बजकर पचपन मिनट हो रही है ऐसे में उद्यातिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्यौहार अगस्त 2019 यानी सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है रक्षाबंधन दो शून्य दो चार भद्रा का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में पांच सौ तिरपन पर है उसके बाद वह दोपहर एक सौ बत्तीस तक रहेगा इस भद्रा का वास पाताल लोक में है हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है उसे शुभ ही माना जाता है लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नज़रअंदाज़ नहीं करते हैं आखिर हम हिंदू है तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भिया करना ही पड़ता है किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना दोस्तों रक्षाबंधन के श्याम पंचक भी है रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है पंचक शाम सात बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह पाँच सौ तिरपन तक रहेगा पंचक सोमवार को लग रहा है जो राज पंचक होगा इसको अशुभ नहीं माना जाता है यह शुभ होता है ये दोस्तों अब जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देखिए 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में एक तीस से लेकर रात नौ बजकर आठ मिनट तक है उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए सात घंटे अड़तीस मिनट तक का समय मिलेगा दोस्तों इस बात का ध्यान रह भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है इसीलिए भाई को इस समयक भी राखी ना बांधे पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है दोस्तों कई लोगों के यहां यह परंपरा होती के कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आदि नहीं मनाते लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 19 अगस्त को रात नौ बजकर आठ मिनट मिनट तक का है तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है दोस्तों मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभफलों की प्राप्ति होती उसका कभी अमंगलन ही होता ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा रुतबा पैसाधन दौलत सब कुछ कमाए दोष पित्री दोषंजर दोष मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे दोस्तों और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी ही बांधना चाहिए शुभ नहीं माना जाता भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बांधनाभूत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है दोस्तों और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए इससे जीवन पर नकारात्मकता काघरा असर पड़ता है ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए कोई चप्पल आधी भी नहीं देना चाहिए उपहार मेनदक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया भाई का दर्जा दिया तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है बड़ा सुकून और सुख मिलता है दोस्तों धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए शास्त्रों के अनुसार वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो रक्षा रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर तो उस बहन को दोष लग जाता है इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए फिर भाई चाहे कहीं भी हो बहन को जाना चाहिए यदि भाई आपके पास नहीं है विदेश में रहता है किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते तो आप भाई के नाम की रक्षा बंधन की थाली एक राखी मिठाई अक्षत रोली चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे नारायण के बांधे आप जिसके भी भक्त है उनकी कलाई पर बांधे वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी और ऐसी राखी मन में बांधी गई राखी सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए आइए जानते के देखिए रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए क्योंकि इस समय देव देवशक्तियानीश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधार हैं और उन्हें भोग लगाते हैं ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है भगवान भाई के अंदर बसते हैं इसीलिए लहसुन प्याज मांस मदिरा बीड़ी सिगरेट गुटका आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए कभी नहीं बनाना चाहिए नहीं तो रक्षा बंधन खंडित हो जाएगा बहन का व्रत टूट जाएगा खाने में आप खीर पूरी खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं मीठा हलवा मीठी सेवियांज बनाएं कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए कुछ बनाएं या नाबनाएं पर मीठी सेविया जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है रसीले आलू की सब्जी गोभी की सब्जी केले की सब्जी चटपटे गोभी आलू मटर पुलाव पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं इन घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए इस दिन घर में तबाह नहीं चढ़ाना चाहिए अशुभ माना जाता है कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना ही बनाए इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निबा भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए बहन को एक निबा अवश्य खिलाएं इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोग कोचले जाते हैं कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है तो भाई की उम्र कम हो जाती है ईश्वर नाराज हो जाते हैं व्रतखंडित हो जाता है बहन को इस दिन व्रतावश्य रखना चाहिए क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है प्यार बढ़ता है ईश्वर प्रसन्न रहते हैं नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनना चाहिए खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए खट्टी इमली खट्टी इमली की चटनी पानी पूरी नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए इससे माता संतोषी नाराज़ हो जाती है अक्सर शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाता है तो कभी भी जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाए और यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा संयम रखे नहीं तो माता संतोषी नाराज़ हो जाएंगी माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफ़रत है वह यह बर्दाश्त नहीं करती क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षा बंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है वह स्वयं धरती पर पधार है क्योंकि शुक्रवार मां संतोषी का वार है इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए संतोषी माता यदि प्यारी है तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है लेकिन यह तो संजोग की बात है कि रक्षा बंधन पर शुक्रवार पड़े यदि पड़ जाए तो थोड़ा सावधान हो जाए भैया हम हिंदू हैं तो धर्मशास्त्रों का पालन तो करना ही पड़ेगा रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है सरकारी नौकरी हासिल होती है व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता के उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है भाई को कभी किसी की नज़र नहीं लगती दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है आइए जानते हैं सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से सात बार उतारा करें अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें वृक्ष पर तिलक करें मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधे इससे आपकी भाई की रक्षा होगी वह विजय प्राप्त करेगा ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा भला होगा भाई को नजर और दोष काल सर्प दोष पित्री दोष राहु दोषिनी दोष भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर तिरासी में स्पष्ट लिखा है यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता दिन दुग्नी रात चौगुनी तरक्की होती है बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे यह उपाय खासकर रक्षा पर ही किया जाता है साल में एक बार ही आता है रख शाबंधन तो कर लो दोस्तों यह उपाय क्या आपका भाग्य चमक जाए क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य सातवें आसमान पर चला जाए सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करें तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है उसका प्यार है ममता है भाई के प्रति सच्ची आस्था है और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दीरक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं